हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जिमिन और युंगी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है। जनकुक खाना परोस रहा था। युंगी और जिमिन खाना खाते हुए कहता है, खाना बहुत ही अच्छा बना है, तुम तो बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो। जनकुक ने कहा, शुक्रिया। जिमिन कहता है, तुम जाकर बच्चे को संभालो, वो रो रहा है, हम खाना खा लेंगे। जनकुक ने कहा, ठीक है, मैं तेगू के पास जाता हूँ। वो अपने बच्चे के पास जाते हैं और जिमिन और युंगी खाना खा रहा था। युंगी ने कहा, जिमिन मुझे जनकुक के लिए बुरा लग रहा है। जिमिन ने कहा, क्या, लेकिन ऐसा क्यों? युंगी कहता है, वो कितने दिनों से अकेला है, वो 2 सालों से अपने बच्चे को अकेला ही संभाल रहा है। पहले तो इतना तकलीफ उठाने के बाद भी उसने इस बच्चे को जन्म दिया। अगर उसकी जगह पर मैं होता ना, मैं ऐसा कभी नहीं करता। जिमिन ने कहा, युंगी तुमने सही कहा, मैंने जनकुक को कितनी बार कहा है, इतनी दर्द में और जबकि इतनी खतरा था, तुम्हें बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए। निक नहीं, उसे तो बच्चा जन्म देना ही था। उसने कहा कि उसके पास एक आखिरी निशानी है जिसे लेकर वो घर से बाहर आ गया। जिमिन कहता है, मैंने सुना है कि उसके हस्बैंड के नाम है तियांग और वो तियांग से नाराज होकर यहाँ पर आ गए। युंगी कहता है, क्या तियांग, क्या वो किम तियोंग है? जिमिन कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही है। युंगी कहता है, ठीक है, मैं पता लगाता हूँ आखिर वो कैसा इंसान है। जिमिन ने कहा, ठीक है, तुम पता लगाओ और मैं भी पता लगाने की कोशिश करता हूँ आखिर हुआ क्या था। वो इस तरह से अपने बच्चे को लेकर चले क्यों आए जब उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है? तो फिर युंगी अपनी सोच से पता लगाता है जनकुक और तियांग की शादी के बारे में और दोनों के रिश्ते के बारे में। तियांग और जनकुक के दोनों के पेरेंट्स ने मिलकर इस शादी को करवाया था। जनकुक वो तियांग को पहले से तो प्यार नहीं करते थे, लेकिन शादी के बाद तियांग उसको बहुत अच्छे लगे और दोनों साथ में रहेंगे यही बारे में सोचकर जनकुक बहुत खुश था। लेकिन तियांग, जनकुक जैसे अपने रूम में तियांग के लिए इंतजार कर रहे थे, तियांग रूम के अंदर आते हैं और वो दरवाज़ा बंद कर देता है। उसने अपनी कोट उतारा, उसके बाद वो एक एक करके उतारने लगे और जनकुक के कपड़े भी उतारने लगे, उसके साथ फोर्स करने लगा। ऐसा कह सकते हैं कि उसके साथ रेप किया था। जनकुक को वो बहुत बुरा लगा। जब जनकुक को पता चला कि तियांग ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि तियांग को लगता है जनकुक इवनो के साथ मिलकर उसके साथ चीट कर रहा है, इसी बारे में सोचकर तियांग ने जनकुक की रेप कर दिया, जो जनकुक को बहुत ही हार्ट हुआ। जनकुक तियांग से प्यार करने ही वाला था, लेकिन तियांग ने पहले दिन ही उसकी प्यार का गला घोट दिया, जो जनकुक को बहुत बुरा लगा। जनकुक ने मन ही मन सोच लिया था वो तियांग के साथ नहीं रहेगा। जनकुक अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश किया था उसकी शादी में नहीं रहना है, लेकिन जनकुक के पेरेंट्स ने कहा, तुम्हारे हस्बैंड ही तो है, उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें इतनी नाराज नहीं होना चाहिए। तियांग तुम्हारे हस्बैंड है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तुम्हें इतनी नाराज नहीं होना चाहिए जनकुक, और अपने हस्बैंड के घर चले जाओ। जनकुक अपने हस्बैंड के घर तो आ गया था अपने पेरेंट्स की बातों को सुनकर, लेकिन उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वह ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकता है जिसने उसकी प्यार का गला दबा दिया, उसकी भरोसे का गला दबा दिया। जनकुक वो इस घर से भागने की बहुत बार कोशिश कर रहा था, लेकिन भाग नहीं पा रहे थे। एक दिन जनकुक को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और जनकुक वो अपने मुंह को बहुत ही टाइटली पकड़ते कहा, मैं इस बात को किसी को नहीं कहूँगा, मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना होगा, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ, उस इंसान तो मुझे मार ही डालेगा, मेरे बच्चे को मार डालेगा। जनकुक ने फैसला कर लिया, मुझे मेरे बच्चे को बचाने के लिए यहाँ से जाना होगा, वरना तियांग हर रोज़ मुझे ऐसे ही हर्ट करेगा तो मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाऊंगा, मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना होगा। जनकुक तियांग को छोड़ने का फैसला कर लेता है और एक दिन मौका देकर वो इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। तियांग ने जनकुक को पागलों की तरह ढूंढा, लेकिन तियांग जनकुक को कहीं नहीं ढूंढ पाए। तियांग अब ऐसा बन गया था जैसे कि कोई पत्थर हो जिसके कोई इमोशन नहीं है, वो खाना पीना तो खाता है बस मजबूरी में, उसके अंदर बिल्कुल भी सुख नहीं है। वो अपने चैन को ढूंढ रहा था जो खो गया है। यहाँ पर जनकुक तेगू को सुला रहा था। जनकुक को तियांग याद आ जाता है और वो कहता है, क्या तियांग अभी भी मुझे याद करता है? उसने तो मुझसे कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, मैंने ऐसा ही सुना था, तो उसने मेरे साथ इतनी गलत क्यों किया था, उसे आखिर क्या हो गया था? मिंघाओ वो जनकुक को कॉल करता है, कहता है, क्या कर रहे हो? जनकुक ने कहा, मैं बेबी को लेकर खेल रहा था, वो सो गया है, अब मैं भी सोने वाला हूँ, तुमने मुझे इतनी रात को कॉल क्यों किया है? मिंघाओ ने कहा, जनकुक क्या तुम्हें पता है मैंने आज तियांग को देखा था। जनकुक ने कहा, क्या उसके बाद क्या हुआ है, क्या वो ठीक है? मिंघाओ कहता है,
अगर तुम्हें तियांग की इतनी फिक्र है तो तियांग के पास लौट क्यों नहीं जाते हो? वैसे भी तेगु बहुत ही छोटा है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। बोलो तुम्हारी ध्यान नहीं रख पाएगा। देखो मैं सच बोल रहा हूँ, जिमिन और युंगी जितना कमाता है तुम यहाँ पर रहकर खुश नहीं रह सकते हो। तुम्हें अपने बच्चे के लिए और खुद के लिए तियांग के पास जाना होगा। तुम किसी के ऊपर बर्डन नहीं बन सकते हो। तो उसने कहा, तुमने सही कहा है, मैं किसी के ऊपर बर्डन बन रहा हूँ? वो कोई और नहीं, वो जिमिन और युंगी है। मुझे इस घर को छोड़ना होगा, लेकिन मैं उसके लिए क्या करूँ? जिमिन बातों को सुन लेता और कहता है, क्या तुम घर छोड़ने की बातें कर रहे थे? तुमने सोचा भी कैसे? क्या तुम मुझे ब्रदर नहीं मानते हो खुद के? अगर ऐसा है तो जाओ, यहाँ से चले जाओ। अगर मुझे अपना ब्रदर नहीं मानते हो तो। तियांग, वो मीराबाई खुद को देख रहा था और खुद को देखकर कहता है, शेम ऑन यू, तुमने अपने ही हस्बैंड के साथ ऐसा कर दिया। आखिर तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? यू नो, वो तो बस ऐसे जनकों के दोस्त थे। तुमने उस पर शक किया और शक करने के नतीजा क्या हुआ? तियांग ने कहा, काश कोई ऐसा पहले आ जाता जो मुझे ये कह सकता कि मैं गलत सोच रहा था। मुझे जनकों पर शक नहीं करना था। उसके हस्बैंड होने के नाते मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया है, उसके बाद मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मुझे माफ़ कर दे। उसके बाद तियांग वह अपनी गर्दन पर देखता है। तियांग की गर्दन पर जनकों के नाखून की निशान है जो अभी तक नहीं गया। वो बहुत ही गहरा था। जनको खुद को बचाने के लिए तियांग के साथ ऐसा किया था। तियांग अपने गले पर निशान को हाथों से टच करता है और जनको को याद करता है। तियांग अब वो बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस बन चुका था। उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं था, तियांग को ऐसे ही लग रहा था। लेकिन एक फ़ोन कॉल, उसके बाद तियांग के हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गए। तियांग ने कहा, मुझे क्या हो रहा है? जनको के जाने के बाद इन 2 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ है, और मुझे अचानक ऐसा फील क्यों हो रहा है जैसे कि जनकुक मेरे आसपास हो? क्या कहा? तुमने सही कहा ना कि वो सच में यहाँ पर ही है, तो मैंने अब तक उसको ढूंढ क्यों नहीं पाया? तो जेहोप ने कहा, तियांग तुम प्लीज रिलैक्स हो जाओ, जनकुक यहीं पर ही है। वो किसी के घर में रह रहा है, और जिसके घर में रह रहा है वो लोग जनकुक के बारे में पता लगाने आया था, और उसके हस्बैंड ने तुम्हारे बारे में पता लगाने आया था। मैंने उसका पीछा किया था तो मैं उसके घर के एड्रेस जानता हूँ, मैं तुम्हें लेकर जा सकता हूँ। तियांग ने कहा, तुम्हारी जाने की जरूरत नहीं, तुम मुझे एड्रेस सेंड कर दो। तो जेहोप ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुम अकेला जा सकते हो? मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँ? तियांग ने कहा, नहीं, मैं अपनी गलती के माफ़ी तुम्हारे सामने नहीं मांगना चाहता हूँ। जेहोप ने कहा, मैं समझ गया। उसके बाद तियांग जनकुक से मिलने जेहोप के बताए हुए एड्रेस पर आ जाता है। युंगी वो दरवाज़ा खोलता और कहता है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तियांग ने कहा, तो तुम मुझे जानते हो। युंगी कहता है, तुम्हें कौन नहीं जानता है कि मैं कंपनी की सीईओ हो तुम, और बहुत ही हार्टलेस पर्सन हो तुम। आखिर तुमने ऐसे कैसे कर लिया? इतनी इनोसेंट लड़की के साथ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिमी ने युंगी को रोकते हुए कहा, किसके साथ बातें कर रहे हो? चुप हो जाओ, और तुम्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। जिमिन तियांग को घर के अंदर लेकर आ जाता है। युंगी ने कहा, क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, यही है वो इंसान जो उसको दुख पहुंचाया है। जिमिन ने कहा, प्लीज युंगी चुप हो जाओ, मुझे बात करने दो। तियांग ने कहा, मुझे किसी और से बात नहीं करना है, मैं जनकुक से बात करना चाहता हूँ। जिमिन ने कहा, तुम सच में बहुत ही रूढ़ हो, मैं तुम्हारे साइड ले रहा था, लेकिन नहीं, तुम तो मुझे ही सबके सामने शर्मिंदा कर दिया, तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहते हो। तियांग देखो, मैं तुम्हारे दोस्त की तरह हूँ। तियांग ने कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, और नहीं मुझे कोई दोस्त चाहिए, मैं जनकुक से मिलना चाहता हूँ। जनकुक वो अपने बच्चे को लेकर बाहर आ जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जनकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम इतने दिनों से यहाँ पर छुपे हुए थे क्या? क्या तुम मुझसे छुपने की कोशिश कर रहे थे? जानबूझकर तुमने ऐसा किया ना, ताकि मैं तुम्हें ढूंढता रह जाऊँ? 2 साल बीत गया है और मैं तुम्हें अब ढूंढ निकाला है, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? जनकुक ने कहा, तियांग आप ढूंढने से क्या होगा, बहुत देर हो चुका है, तुम अपने घर चले जाओ। वैसे भी मैंने शादी कर लिया है और मेरे बच्चे के साथ मैं बहुत ही खुश हूँ। तियांग कहता है, क्या शादी? तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? मैं बाद में खुद को ब्लेम कर रहा था, मुझे लगा था मैं ऐसे तुम पर शक कर रहा था, लेकिन नहीं, मैं तो सही था। तो तुम्हारी हस्बैंड यूनो है ना, वो कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। तो उसने साफ मना कर दिया, मुझे तुम्हें किससे नहीं मिलवाना है, तुम अपने घर में जाकर जो भी करना है करो, लेकिन मैं यहाँ पर आकर मेरे ही हस्बैंड से मिलना चाहते हो, वो भी इस तरह से, पहले अपने मूड ठीक कर लो। तियांग अपने ऑफिस था,
अब वो बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। जो बात जाते और कहता है क्या हुआ, क्या काम बनी? त्यार ने कहा नहीं, वो नहीं आना चाहता है। तो उसने कहा क्या, क्या वो नहीं आना चाहता है? उसकी इतनी हिम्मत? त्यांग उसको घूरते हुए देखता है। जोब ने कहा ठीक है तुम मुझे गुस्से में क्यों घूर रहे हो, मैंने क्या किया है? वो तो तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें छोड़कर चला गया है। त्यांग वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में लग रहा था। तो जोब जंकुक के पास जाता है, उसे जाकर कहता है। त्यांग ने अपने हाथों का नास काट लिया। जंकुक वो बहुत ही डर जाता है और अपने बच्चे को लेकर आ जाता है। लेकिन त्यांग तो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और उसे कुछ भी नहीं हुआ था। जंकुक जैसे त्यांग को देखता है कहता है, तो आपने मुझे झूठ बोला था। जंकुक गुस्से में जाने ही लगता है। त्यांग उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। जंकुक ने कहा, क्या तुम करने के वाले हो, छोड़ो मेरी हैंड। तो उसने कहा, नहीं हमें बात कर लेना चाहिए, मुझसे गलती हो गया है, मुझे तुम पर शक नहीं करना था। उसके बाद त्यांग ने जंकुक को सब कुछ क्लियरली कह दिया, क्योंकि वो यूनो के साथ जंकुक को शक करता था और उसी गुस्से की वजह से और कुछ एडिट फोटो को देखकर उसने ऐसी हरकत किया था, जिसके लिए वो अभी शर्मिंदा है। शादी होने से एक घंटे पहले जंकुक का यूनो की बहुत सारे फोटोज त्यांग के पास आया था, जो अभी तक त्यांग ने संभाल कर रखा। जैसे जंकुक को दिखा, जंकुक ने कहा, क्या ये मैं नहीं हो सकता हो, क्या आप लोग को भरोसा नहीं है? टाइम को आगे बढ़ाकर जंकुक नहा रहा था। त्यांग दरवाजे के बाहर से कहता है, जंकुक दरवाज़ा खोलो, क्या तुम्हें अभी तक नहीं हुआ है? जंकुक ने कहा, त्यांग मुझे थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा, तुम्हें इतनी इमरजेंसी क्यों है, आखिर तुम क्या करने वाले हो? त्यांग ने कहा, क्या सुबह हो गया है, मुझे वॉशरूम जाना है और नहाना भी है, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल्स में बताऊँ? जंकुक ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। त्यांग जैसे जंकुक दरवाज़ा खोलता है, वो उसको खींच कर अंदर लेकर चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। उसके बाद तो आप लोग सोच ही सकते हो। कुछ ही दिन हो गया है, जंकुक सबके साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, अचानक उसको वॉमिटिंग होने लगा। वो बार बार दौड़ कर जा रहा था और वॉमिटिंग करके वापस आ रहे थे। अब जंकुक के सर जो है बहुत ही भारी सा लग रहे थे और उसको अच्छा भी नहीं लग रहा था। डॉक्टर को जैसे ही कॉल करता है, डॉक्टर आ जाता है, जंकुक को चेक करता है और डॉक्टर ने कहा कांग्रेचुलेशन। त्यांग ने कहा कांग्रेचुलेशन, वो बीमार है और आप कांग्रेचुलेशन बोल रहे हो? डॉक्टर ने कहा, क्योंकि आप डेड बनने वाले हो फिर से। त्यांग ने कहा, क्या क्या ये सच है? तो उस आदमी ने कहा, बिल्कुल आप डेड बनने वाले हो। त्यांग फिर से डेड बनने की खुशी में पूरे घर को सजाता है और बहुत बड़ी पार्टी रखता है, सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।